गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस फॉर क्लास टू एंड द टॉपिक इज बोन्स एंड मसल। ठीक है, बोन्स एंड मसल चैप्टर नंबर इज 5। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट बोन्स चैप्टर 5, दैट इज बोन्स एंड मसल्स। व्हेन यू टच योर बॉडी पार्ट्स यू विल एबल टू फील द सम पार्ट्स आर हार्ड एंड सम पार्ट्स आर सॉफ्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब आप अपने बॉडी को टच करोगे, ओके, तो आप क्या फील करोगे? आप फील करोगे कुछ पार्ट जो है आपकी बॉडी के वो हार्ड है, ओके, वो बहुत कड़े हैं, हार्ड हैं, ओके, मजबूत है, और कुछ पार्ट जो है सॉफ्ट है। जैसे आपके स्किन, ये टच किए तो क्या है, सॉफ्ट है, ओके, ये जो आप फिंगर टच करोगे तो ये हार्ड लगता है, ओके, तो कुछ पार्ट हार्ड और कुछ पार्ट क्या आपको नजर आएंगे, सॉफ्ट आएंगे, ओके, आप फील कर पाओगे वो क्या है, सॉफ्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, the hard part are bones and the soft part are muscles, okay? यानी कि जो hard part है, जो आप touch कर रहे हो जिस part को, अगर आपको hard लग रहा है वो, तो वो क्या है आपके, वो bones कहलाते हैं, okay? यानी हड्डियाँ कहलाती हैं। और जो soft part है, okay? जो आपको touch करने में feel आ रहा है soft soft, तो वो क्या है, वो आपके muscles कहलाते हैं, okay? मांसपेशियाँ कहलाती हैं। Now हम लोग next topic पे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, bones एंड ज्वाइंट्स, बोन्स एंड ज्वाइंट्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, बोन्स, बोन्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बोन्स आर द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ओके, दे गिव शेप टू द बॉडी। ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को शेप देते हैं, एक ढांचा देते हैं, हमारे बॉडी को शेप देते हैं, एक ढांचा देते हैं। बोन्स प्रोटेक्ट द इनर बॉडी फ्रॉम इंजरी और हर्ट। और ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को इनर बॉडी जो है, यानी अंदर में जो मांसपेशी है या फिर जो भी चीज़ें हैं, उनको सबको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं चोट लगने से या कोई भी चीज़ों से, वो बचाते हैं हार्म होने से, ओके। बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बोन्स जो है हमारे अंदर, वो बहुत सारे शेप्स एंड साइज के होते हैं, कोई छोटे बोन्स होंगे, कोई बड़े बोन्स होंगे, कोई मोटे बोन्स होंगे, ओके, यानी बहुत शेप्स एंड साइज के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये फिंगर वाले अपने बोन्स को देखिए, ये क्या है, ये छोटे छोटे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब आप ये बोन्स को देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बोन्स है वो क्या है, बड़े हैं, ये छोटे हैं, ओके। तो बोन्स क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर, ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, ओके। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। अब क्या कह रहा है, वह प्लेस, वह जगह जहाँ पे दो बोन्स एक साथ मिलते हैं, उस प्लेस को हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ आपका ये वाला बोन जो है और ये वाला जो बोन है, ये दोनों बोन जाके यहाँ पे मिल रहा है, ओके, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ज्वाइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ज्वाइंट कहलाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्केलेटन। अब स्केलेटन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्केलेटन किसे कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन, ओके, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो जितने भी बोन्स हैं वो क्या करते हैं, सब लोग मिल, सब बोन्स एक साथ मिल के क्या बनाते हैं, सब लोग, सब बोन्स एक साथ मिल के फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है, एक ढांचा बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन, जो कि आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है, ये दिस इज द स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, ओके। तो ये सारे बोन्स एक साथ मिल के क्या करते हैं, एक ढांचा बना लेते हैं, एक शेप में आ जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। Now, second is that skeleton gives shape to our body. अब skeleton क्या करता है, तो skeleton के काम है हमारे body को shape देना, एक ढांचा देना, ताकि हमारा body क्या रहे, अच्छे से रहे, okay? Next, it also support and protect the soft inner part of our body. और skeleton ही क्या करता है, हमारे body के अंदर में जितने भी parts हैं, inner parts हैं, okay? जैसे heart हो गया, lungs हो गया, उसको protect करता है, okay? क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जैसे हमारा स्कल, ये किसको बचाता है, हमारे ब्रेन जो अंदर में है उनको वो बचाता है, ओके, तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर पार्ट को, ओके, स्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स, ओके। अब हम लोग मांसपेशियों मसल्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट, बोन्स आर कवर्ड बाय मसल्स। जो हमारे बोन्स होते हैं वो सारे किससे कवर होते हैं, मसल से कवर होते हैं। जैसे आप अपने हाथ को देख लीजिए, अंदर में क्या है, बोन्स है, और उसके ऊपर में क्या है, स्किन, तो उसके अंदर क्या है, मसल्स है, ओके, मसल्स।
सेकंड इट आल्सो हेल्प्स अस टू मूव आवर बॉडी, ये हमें क्या करता है, हमें मदद करता है हमारे बॉडी को एक जगह से मूव कराने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में या कोई वर्क करने में मसल्स बहुत मदद करते हैं। ओके द थर्ड वन इज मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। अब क्या कह रहा है कि मसल्स और बोन्स वो दोनों एक ही साथ वर्क करेंगे, अलग अलग वो नहीं वर्क कर पाते, जैसे आपका यहाँ हाथ है ठीक है, तो मसल्स भी है बोन्स दोनों एक साथ कंबाइन है, तो दोनों एक साथ वर्क करेंगे। ओके एक साथ वर्क करते हैं। दे हेल्प अस टू स्ट्रेच बेंड सिट स्टैंड लाइक, ये मदद करते हैं हम लोगों को क्या करने में, स्ट्रेच करने में, जैसे आपको क्या कर रहे हैं ये हाथ को बेंड करने में, हाथ को स्ट्रेच करने में, यानी कि वो बहुत सारी चीजों को में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों में वो क्या करते हैं हमारे बोन्स और मसल्स दोनों मिलके हमें मदद करते हैं ताकि हमारा फुट बढ़ सके, फुट जो पैर लेग है वो बढ़ सके, हमारे हाथ क्या हो सके कुछ काम कर सके, वो बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को मदद करते हैं। आप कुछ लिखना हो तो लिखने में मदद कर सकते हैं, तो ये सारे हम लोगों को मदद करते हैं। ओके देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, और हमारे बॉडी के अंदर कितने मसल्स होते हैं, तो टोटल हमारे बॉडी के अंदर 600 मसल्स होते हैं। ओके कितने मसल्स होते हैं याद रखिएगा, देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी। ओके 600 मसल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। नाउ द मसल्स ऑफ हार्ट एंड स्टमक वर्क ऑल द टाइम इवन व्हेन वी स्लीप, जो मसल्स होते हैं हमारे कुछ मसल्स जो ऐसे हैं जो कि हमेशा वर्क करते रहते हैं ऑल टाइम, आप सोए भी हैं आप जागे भी हैं आप कोई काम भी कर रहे हैं फिर भी वो वर्क करते रहते हैं। ओके लाइक जैसे हमारा स्टोमेक हो गया हमारा हार्ट हो गया, इन दोनों का जो मसल्स होता है वो हमेशा क्या होता है वर्क करते रहता है। ओके नाउ अब हम लोग आते हैं सेकेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। ओके मसल्स एंड बोन्स आपका खत्म हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ओके यहाँ एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज करने से यानी व्यायाम करने से हम लोगों को क्या होता है हमारे बॉडी और मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कुछ काम करने में, दौड़ने में या कोई भी काम वर्क करने में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अगर ये मसल्स स्ट्रॉन्ग ना हो तो क्या हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी कुछ करें तो हमें जब मान लीजिए यहाँ से अगर हम किसी चीज पे से थोड़ा सा हाइट पे से हम इतने हाइट पे से अगर हम जंप करते तो हो सकता है मेरा बोन्स अगर मसल्स स्ट्रांग ना हो तो वो टूट सकता है। ठीक है तो इसीलिए हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि बोन्स और मसल्स जो है हम लोगों को स्ट्रांग करेगा और जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट स्ट्रांग बोन्स हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट एक्शंस, मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया स्ट्रांग बोन्स हो गई क्या बहुत सारे एक्शन बहुत सारे काम को करने में मदद करेंगे, जैसे कि हम लोगों का होगा वॉकिंग में मदद करेगा, जॉगिंग में मदद करेगा, स्विमिंग में मदद करेगा, तो इस सब चीज़ों से क्या होता है हम लोगों का बोन्स जो होता है स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है स्ट्रांग होता है ताकि हम लोग अच्छे से चल पाएंगे, नहीं तो क्या होगा अगर बोन्स स्ट्रांग नहीं होगा तो हो सकता है हम लोग अच्छे से चल भी नहीं पाए। ओके नाउ वी मस्ट ईट हेल्दी फूड टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग, और हम लोगों को बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी है, एक्सरसाइज के अलावा हम लोगों को हेल्दी फूड भी खाना जरूरी है। ओके हेल्दी फूड भी खाना जरूरी है, इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और मसल्स और बोन्स जितने भी है वो सारे अच्छे से वो सारे स्ट्रांग होते हैं। ओके क्या होते हैं मजबूत हो जाते हैं। ओके नाउ हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है, वो क्या है वो पोस्चर है। ओके नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज पोस्चर। ओके यानी कि कैसे हम लोगों को खड़े रहना चाहिए, कैसे अच्छे से हम हमारे बॉडी को स्ट्रेट करके चलना चाहिए। ओके इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे अभी इसमें। तो यहां पे क्या कह रहा है द वे इन व्हिच वी होल्ड आवरसेल्व्स व्हेन वी सिट स्टैंड और मूव इज कॉल्ड पोस्चर, यानी कि वह तरीका जिस जब हम लोग क्या करते हैं होल्ड आवरसेल्व्स व्हेन वी सिट स्टैंड, यानी कि वह तरीका जब हम लोग बैठते हैं खड़े होते हैं। ओके कैसे हम लोग खड़े होते हैं कैसे हम लोग बैठते हैं ये जो तरीका है वही हम लोगों का क्या कहलाता है पोस्चर कहलाता है, या फिर मूव करते हैं वो तरीका हम लोगों का क्या कहलाता है पोस्चर कहलाता है। ओके मीन्स चलने का जो तरीका हो गया, बैठने का तरीका हो गया, खड़े होने का तरीका जो कहलाया वो आपका पोस्चर कहलाता है। ओके नेक्स्ट वी कैन हर्ट आवर बोन्स एंड मसल्स इफ वी डू नॉट होल्ड आवर सेल्फ इन अ करेक्ट पोस्चर। ओके मीन्स कहने का क्या मतलब कि अगर हम लोग अच्छे पोस्चर में अच्छे से नहीं चले या फिर हम लोग झुक के चले या फिर कोई ऐसा अच्छे से नहीं चल पाते हैं जिसके कारण हम लोगों पर बोन्स और मसल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। ओके मान लीजिए अगर हम ऐसे करके चलेंगे तो क्या होगा हम लोगों का जो बोन्स होगा बैक बोन वो क्या होगा वो मुड़ जाएगा। ओके और हमेशा के लिए हम लोग वैसे ही
चलेंगे, तो वो क्या होगा, यानी कि हम लोगों को बोन्स और मसल्स को अफेक्ट करेगा अगर हम लोग अच्छे पोस्चर में अच्छे ढांचा से अच्छे से नहीं चले तो। ओके ना, तो हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर कैसे हम लोग अच्छे से चल सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं। क्या कह रहे हैं, फॉर अ गुड पोस्चर वी मस्ट ऑलवेज, अब गुड पोस्चर अच्छे पोस्चर के लिए हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, नंबर वन कह रहा है स्टैंड स्ट्रेट। अगर हम लोग खड़े हैं तो हम लोग एकदम अच्छे से स्ट्रेट खड़े होंगे, जैसे हम अभी मैं खड़ा हूँ, ओके, ना कि हम झुक के या फिर इधर झुक के या फिर इधर झुक के, ऐसे कहीं नहीं खड़ेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट खड़े होंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा जो बैक बोन है वो अच्छा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ओके, वो मुड़ेगा नहीं, ओके। जब जरूरत पड़े तब हम लोग क्या कर सकते, झुक सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा अगर हम लोग खड़े हैं तो हम लोग स्ट्रेट खड़े रहेंगे, ओके। सेकेंड इज व्हाट, सीट स्ट्रेट, अगर हम लोग बैठे हैं तो अच्छे से स्ट्रेट बैठेंगे, ओके। अगर स्ट्रेट नहीं बैठते, झुक के बैठते हैं, तो हमारा हम लोगों का आदत फिर झुक के बैठने का हो जाएगा, और जिसके कारण फिर हम लोगों को बैक बोन जो होंगे, हमारे जो बोन्स होंगे बैक वाले, वो हम लोगों को दिक्कत करेगा, ओके, वो टेढ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, पुल आवरसेल्फ्स अप एंड वॉक टॉल, और अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग झुक के नहीं चले, हम लोग स्ट्रेट एकदम अच्छे से चले, ताकि क्या होगा, हम लोगों का अच्छे से बोन्स जो रहेंगे अच्छे रहेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये तीन चीजें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट पोस्चर है जिससे हम लोग हमेशा फॉलो करना चाहिए, जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों का बोन्स को पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके, बोन्स खराब नहीं होंगे, यानी कि बोन्स जो है वो टेढ़े नहीं होंगे, ओके। नाउ Some benefits of good posture are as follows. कुछ benefits हैं अगर हम लोगों का जो posture है अगर अच्छा रहा तो कुछ benefits हैं उसके, क्या benefits हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, First, it helps all the parts of our body. क्या कह रहे हैं, It helps all the parts of our body. यानी कि अगर हमारा posture अच्छा रहा तो हमारे पूरे body को affect करता है, पूरे body को क्या करता है, अच्छे से हमारे help करता है, मदद करता है कोई भी काम करने में, okay? help to work properly, okay, यानी कि कोई भी काम करने में अच्छे से मदद करता है अगर हमारा पोस्चर अच्छा रहा तो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, दूसरा क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, ओके, क्या रखता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज, इट मूव्स अस लुक स्मार्ट, ओके, और तीसरा क्या कह रहा है, अगर हमारा पोस्चर अच्छा रहा तो हम लोगों को क्या लगता है, वो अच्छे पोस्चर में हम लोग स्मार्ट लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, ओके। तो ये तीन चीजें हैं जिससे अगर हम लोगों का पोस्चर अच्छा रहा तो ये तीन चीजें हम लोगों को बेनिफिट है, ओके। तो हम लोग क्या कर लिए, हम लोग आज बोन्स एंड मसल्स चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिए। आपको क्या करना है, अगर कुछ समझ में नहीं है तो ये 2-3 बार वीडियो को देखना है, और जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे उनको सारे को फिल कर लेना, ओके। और जो आपके क्वेश्चन आंसर है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल से पीडीएफ के द्वारा, यानी जेरोक्स कॉपी आपको मिलेगा A4 साइज में, आपको उसको लेके और आपकी कॉपी को भी कंप्लीट करना है, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।